दलित युवती के साथ हुई अत्याचार को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा दलित नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम। धनबाद के गोविंदपुर में एक दलित युवती के साथ पड़ोस के रहने वाले एक युवक द्वारा दुष्कर्म करने के बाद में घटना को लेकर वहां पंचायती में सरेआम आरोपी लड़का के परिवार वालों ने पीड़िता एवं उसके परिवार के साथ मुखिया के उपस्थिति में मारपीट करने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर आज रविदास समाज संघर्ष समिति और नेशनल फेडरेशन ऑफ अंबेडकर मिशन के लोग पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर गोविंदपुर पहुंचे तथा वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के बाद पीड़ित एवं उसके परिवार को न्याय दिलाने में हर तरह से मदद करने का भरोसा दिलाया। बाद में लोग DSP सरिता मुर्मू से भी भेंट कर पीड़िता को न्याय दिलाने एवं पूरे परिवार को सुरक्षा को लेकर बात की। दिलीप राम ने कहा कि आज पूरे देश भर में महिला सुरक्षित नहीं है, खासकर दलित समाज के महिला हर तरह से असुरक्षित है तथा न्याय पाना भी बड़ा मुश्किल है। देश के कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराया हुआ है। दलितों की आवाज़ को हमेशा दबाने की कोशिश होती है, यहाँ भी वही कोशिश हो रहा है, जिसे हम होने नहीं देंगे। पीड़िता को न्याय दिलाएंगे। पीड़ित परिवार से आके मिले, इन लोगों के बातों से पता चला कि लोग काफ़ी डरा सहमा हुआ है और जब से घटना घटी है तब से लेके आज तक इन लोग के पक्ष में जो लोगों को एक सहानुभूति होना चाहिए अगल बगल, ठीक है, ये ना हो के पैसा वाला है जो आरोपी उसी का साथ दिया हुआ है और पूरा साजिश के तहत इसको केस को गड़बड़ाने के चक्कर में लगा हुआ है लोग, लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। इसके साथ जो घटना हुआ है हम लोग को पूरी तरह सच्चाई लगा घटना से और इसका हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसके लेकर हम लोग जो पुलिस प्रशासन का जो ऊपरी पदाधिकारी है उससे हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये जो डरे सहमे लोग हैं, ये लोग बात रखने में भी डर रहा, उसको लग विश्वास नहीं कर पा रहा जब कौन मेरे पक्ष में आया है, कौन आरोपी के पक्ष में आया। कहा कि आज तक जो भी पहुँचा है सारे लोग इसके साथ विश्वासघात किया है और जो आरोपी है उसको मालूम चला है कि वो पैसा वाला है, यहाँ दबंग है, वो अब यहाँ रुतबा रखता है, इसीलिए अगल बगल वाला खुल के भी लोगों को साथ देने के पक्ष में नहीं है, ठीक है। मुखिया भी इसके लोग के साथ अन्याय किया हुआ है, ये सारा चीज़ हम लोग को मालूम चला, ठीक है। ज़बरदस्ती इस पर जो है समझौता वाला पेपर सिग्नेचर कराया और यही लोग ले जाके थाना में पहुँचाया है। हम लोग को सारे बात को मालूम चला है, हम लोग जाएंगे प्रभारी थी SP DSP से भेंट उठ करेंगे और सारी घटना का जो सच्चाई है और रखने का काम करेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। पीड़िता एवं उसके परिवार वालों से मिलने वालों में दिलीप राम, मंटू दास, शशि भूषण कुमार, बबलू दास, नीलू दास, वीरेंद्र रजक आदि थे। तो बेटी के छेड़छाड़ खाने हुआ, हाथापाई किया, अति करने की कोशिश किया, हम मेरा बेटी के साथ गलत हुआ है, गलत हुआ है। उसको बाद में उसको बाप माई के हम बुलाएं कि आइए अपना बेटा के समझाइए, तो मेरे इसको बाप माई बोलता रहा, वो विश्वकर्मा का माँ बोलता है कि मेरा बेटा सही है, आपको बेटी बनमास है, आप लोग बनमासी करते हैं यहाँ पर रह रह के, आप लोग चौका बर्तन करते हैं तो क्या सोच रहे हैं, हम लोग इतना भी खरीद लेंगे, थाना भी खरीद लेंगे, हम इतना पैसा हम लोग के पास में है, थाना खरीद लेंगे, ज़्यादा गर्मी दिखा ना मत तो लोग से हमको बोला। उसको बाद हम लोग का पंचायत में बोला करके मैं ही मंडल धोना बिरागी हम लोग घर आया बुलाने के लिए, कहे जी चलो पंचायती है, तो बोले ठीक है मेरा घर में अभी कोई नहीं, हम बुला रहे हैं इसको, मतलब गए तो फोन किया अपना पति का, जी आइए यहाँ पर ये लोग विश्वकर्मा लोग पंचायती रखा है, हम लोग चलिए। हम लोग गए पंचायती में मैं ही मंडल धोना 10 गाँव का आदमी मिल करके हम लोग का सब मिल के बोला साली का मारो, मुखिया बोला साली का मारो, हम लोग एक बात बोलने नहीं दिया, बोला साली का मारो, बहुत गर्मी हो गई, लोग मेरा बेटा का फंसाने चाह रहा था। सर हम क्या किए, यहाँ से हम चल गए थाना में, हम लोग का पूरा कब्जा कर लिया, सबके धीरा रहा मरने के लिए, तुम चलो हम यहाँ से पंचायत चलो, वहाँ फिर से करेंगे हम पंचायती। तो हम बोले किस आधार पर हम पंचायती फिर से करें, पंचायती में तो हमको मार के हम लोग का फाग दिए दे सब, मेरा बेटी का गला दाब दिया, लड़का के दोनों बड़ा महिला भाई का बेटा और लड़का मिल के मेरा बेटी का गला दाब दिया कि तू ही नहीं रहेगा, तेरा कहानी हम खत्म कर देंगे, हम कहे इसे कर। तो बोला कि हाँ चलो चलो थाना, हम लड़का के बाप माँ आगे चल गया थाना से, देखिए कि थाना में हथकड़ी लगा हुआ है लड़का का,
फिर थोड़ा देर एक बाद में हम लोग का समझौता सब होने लगा वहाँ। चुन्नू लाल बोला कि समझौता कर लो, लड़की के बात है समझौता कर लो तो कीचड़ उछलेगा। तो कहिए कि कीचड़ उछले चाहे जे उछले, मेरा बेटी का बीच डौने कर दिया है, तब कीचड़ उछलेगा चाहे जे उछलेगा, मेरा बेटी के इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, नहीं होगा तो हम ऊपर तक जाएंगे। इसमें मैडम के पास में गए, इसमें मैडम मेरा केस लिए हैं, अब इसमें मैडम पर इतना हमको भरोसा कि मेरा हमको मदद करेंगे।